हिंडनबर्ग रिसर्च के नए खुलासे ने देश को हिला दिया है। अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर चर्चा में आई अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने यह दावा किया है कि इन दोनों की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है, जिसमें कथित तौर पर गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया है, ये दावे किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बुच दंपति ने बयान जारी करके इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। वहीं न्यूज एजेंसी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस रिपोर्ट में किए गए निराधार दावों को हम सिरे से खारिज करते हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और हमारे फाइनेंस खुली किताब है। बीते कई साल में हमने सेबी को सारी जानकारी मुहैया भी कराई है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी समूह पर किए खुलासे के सबूत होने और 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में बात साबित होने के बावजूद सेबी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इन आरोपों की पड़ताल का जिम्मा सेबी प्रमुख पर ही था, लेकिन इसके उलट सेबी ने 27 जून 2024 को उसे ही नोटिस दे दिया। हालांकि सेबी अडानी पर उसकी 106 पेज की रिपोर्ट में गलती नहीं पकड़ सकी। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़ा दावा किया था। इसके बाद ग्रुप का वैल्यूएशन 7,20,000 करोड़ रुपए तक गिर गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां ग्रुप को क्लीन चिट दी गई थी। बाद में कंपनी के शेयरों ने तेजी से रिकवरी भी कर ली थी, लेकिन अब इस खुलासे के बाद में नया हंगामा मच गया है। सवाल उठ रहे हैं और सीधे तौर पर ये जो सवाल हैं वो अडानी ग्रुप पर भी उठ रहे हैं और साथ ही सेबी प्रमुख के कनेक्शन को लेकर भी बात हो रही है। और ये जो सवाल है कहीं ना कहीं केंद्र के लिए भी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रही है और इस पूरे मसले को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरती रही है। और अब जब ये रिसर्च में सामने आया है, अब जब ये खुलासा हुआ है, तो अब ये देखने वाला विषय होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है।